हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू। सो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का लॉजिक, लाइक लॉजिक इन होम्योपैथी। सो फर्स्टली व्हाट इज़ लॉजिक? तो लॉजिक का मतलब क्या होता है? लॉजिक वो तो हमको यूजुअली पता ही है, बट हमको प्रॉपर डेफिनेशन भी चाहिए होगी। सो लॉजिक मीन्स आर्ट एंड साइंस ऑफ रीजनिंग। ये एक आर्ट एंड साइंस है फॉर रीजनिंग के लिए। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है अ वे ऑफ थिंकिंग और एक्सप्लेनिंग समथिंग वेदर राइट और रॉन्ग। मतलब एक तरह से सोच है जिसको हम समझा सकते हैं या तो वो सही है या गलत है। इट इज़ गिवन फ्रॉम द ऑक्सफर्ड डिक्शनरी बाय लेजेंड। इट इज़ अ साइंस ऑफ इन्फेरेंसेस। लॉजिक हमें क्या सिखाता है? जजमेंट डिफरेंसेस। मतलब हमें जजमेंट प्रॉपर कैसे डिफ्रेंशिएट करनी चाहिए, यह हमें सिखाता है लॉजिक। एरिस्टोटल, ही वॉज द फर्स्ट टू ऑथोराइज लॉजिक। मतलब एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट टू गिव लॉजिक इन हिज बुक नेम ऑर्गेनम। नाउ लॉर्ड फ्रांसिस बेकॉन, और उन्होंने भी थोड़ा दिया था लॉजिक। उनके हिसाब से लॉजिक दो टाइप के होते हैं, दैट इज डिडक्टिव लॉजिक एंड इंडक्टिव लॉजिक। नाउ फर्स्टली विल सी डिडक्टिव लॉजिक। सो डिडक्टिव लॉजिक में अब ये द मेन इज जनरल टू पर्टिकुलर। नाउ इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ मेथड ऑफ अ लॉजिक। डिडक्टिव लॉजिक इज अ मेथड ऑफ अ लॉजिक, ए प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम जनरलाइज्ड प्रीमाइस टू ए पर्टिकुलर इन्फेरेंस। मतलब ये डिडक्टिव लॉजिक है, ये मेथड ऑफ लॉजिक है, मतलब लॉजिक एक टाइप है और प्रोसेस ऑफ रीजनिंग है, एक प्रोसेस है रीजन के लिए जिसके अंदर जनरलाइज प्रीमाइस टू पर्टिकुलर इन्फेरेंस होता है। फादर ऑफ डिडक्टिव लॉजिक इज रेने डिस्कार्टिस। ये हमें याद रखना ही है, जनरल टू पर्टिकुलर। फॉर एग्जाम्पल सी, ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, राम इज मेडिकल स्टूडेंट। अब इसमें पर्टिकुलर प्रीमाइस क्या होगा? राम इज इंटेलिजेंट बिकॉज ही इज अ मेडिकल स्टूडेंट, सिंपल। नाउ इंडक्टिव लॉजिक, इंडक्टिव लॉजिक में इट्स अपोजिट। उसमें था जनरल टू पर्टिकुलर, इसमें होगा पर्टिकुलर टू जनरल, पर्टिकुलर प्रीमाइस टू जनरल कंक्लूजन, उसमें जनरल कंक्लूजन टू पर्टिकुलर प्रीमाइस। नाउ इंडक्टिव लॉजिक, सो इंडक्टिव लॉजिक के फादर थे लॉर्ड फ्रांसिस बेकॉन। इसकी डेफिनेशन है, प्रोड्यूसेस ड्रॉज यूनिवर्सल कंक्लूजन ऑन द इन्फेरेंस फ्रॉम द एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर प्रीमाइसिस। मतलब ये प्रोड्यूस करता है यूनिवर्सल कंक्लूजन, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड ऑन इन्फेरेंस, इन्फेरेंस से फ्रॉम द एक्सपीरियंस बेस्ड, इसमें एक्सपीरियंस मिलने के बाद फ्रॉम पर्टिकुलर ऑन पर्टिकुलर प्रीमाइसिस। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दैट डॉक्टर सैमुअल हैनेमन हैड डिस्कवर होम्योपैथी ऑन ए पर्टिकुलर सिंकोना बार्क, राइट, व्हेन ही वाज ट्रांसलेटिंग कुलेंस मटीरिया मेडिका ऑन द लाइक ही गॉट ए वर्ड दैट इज सिंकोना बार्क प्रोड्यूसेस मलेरिया लाइक सिम्टम्स। सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिम्टम्स द होल होम्योपैथी इज डिस्कवर्ड। सो फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल दैट इज वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सल कंक्लूजन। इसका अदर एग्जाम्पल है ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स मस्ट बी इंटेलिजेंट। सी फर्स्टली राम इज इंटेलिजेंट बिकॉज ही इज अ मेडिकल स्टूडेंट, श्याम इज इंटेलिजेंट बिकॉज ही इज मेडिकल स्टूडेंट, लाइक एनी गर्ल श्वेता इज इंटेलिजेंट बिकॉज शी इज अ मेडिकल स्टूडेंट। सो ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स मस्ट बी इंटेलिजेंट। नाउ टू अराइव एट अ कंक्लूजन, अगर हमें कंक्लूजन ये जनरल कंक्लूजन चाहिए तो हमें ये फैक्टर्स के थ्रू गो थ्रू होना पड़ेगा। सो फर्स्ट इज एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन, एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन दैट इज प्रॉपर एंड कीन ऑब्जर्वेशन शुड बी देयर ऑफ इन एनी पर्सन। देन द सेकेंड वन इज करेक्ट इंटरप्रिटेशन, कुछ भी थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में करेक्ट ही होना चाहिए। देन द रेशनल एक्सप्लेनेशन, मतलब रीजनेबल होना चाहिए, ये है तो इसके पीछे क्या रीज़न है, लॉजिक
इन दिस वर्ल्ड वी वॉन्ट लॉजिक. सो वी डोंट वॉन्ट एनी थिंग इन राइट. एंड द फोर्थ वन इज साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन. एंड एट लास्ट साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन देन वी कैन से. ओके थैंक यू गाइज. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.